हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पे और मैं हूं इमरान। वीवो लॉन्च करने जा रहा है वीवो S1 और इस फ़ोन की स्पेसिफिकेशन बहुत ही खास है। इस फ़ोन में आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, साथ ही साथ M32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा। जी हाँ, इस फ़ोन के बारे में डिटेल्स में बात करेंगे, तो गाइस वीडियो को देखते हैं। दोस्तों, मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया, नीचे आपको रेड बटन है, इसी रेड बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। साथ ही साथ बेल आइकन आएगा, उसे भी दबा दीजिए ताकि मेरा लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। रहिए, कुछ इस तरह से लुक्स एंड डिजाइन के साथ आता है। देख सकते हो पीछे का लुक्स बहुत ही खूबसूरत है, वीवो का ब्रांडिंग, साथ ही साथ AI ट्रिपल रियर कैमरा पीछे आप देख सकते हो, और पीछे कोई भी फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को नहीं मिल जाता है। यानी इस फोन का जो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट इस्तेमाल किया गया है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर। अगर बात करें इस फोन के डिस्प्ले को लेकर, तो यहाँ पे आपको 6.38 इंचेस का फुल HD+ डिस्प्ले मिल जाता है सुपर एमोलेड डिस्प्ले के साथ में। यानी जो इस फोन का डिस्प्ले है काफी अच्छा है, जो पिक्सल पर इंचेस है, PPI है, वो 404 का है, और यहाँ पे डेफिनेटली बहुत ही खास ग्राफिक्स आपको इस फोन में देखने को मिल जाएगा। और पीछे की तरफ जो यहाँ पे बॉडी इस्तेमाल किया गया है वो पॉलीकार्बोनेट का है, ग्लास जैसा मिरर फिनिश देखने को मिल जाता है, लेकिन इसमें आपको पॉलीकार्बोनेट का इस्तेमाल किया गया है। अगर बात करें इस फोन के कैमराज को लेकर, तो यहाँ पर जो फ्रंट कैमरा है वो 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा इस्तेमाल किया गया है। पीछे जो हमें 3 कैमराज देखने को मिल जाता है, जी हाँ, यहाँ पर सोनी का मेन कैमरा यूज़ किया गया है, सोनी का लेंस यूज़ किया गया है, 16 मेगापिक्सल का यहाँ पे मेन कैमरा है। अगर बात करें यहाँ पे सुपर वाइड एंगल के लिए 8 मेगापिक्सल का यहाँ पे कैमरा लगाया गया है, और तीसरा जो कैमरा है वो 2 मेगापिक्सल का है। जी हाँ, बोके इफेक्ट के लिए मेन कैमरा एपरेचर जो है 16 मेगापिक्सल का, और इसमें एपरेचर f1.78 देखने को मिल जाता है, और 8 मेगापिक्सल का जो सुपर वाइड एंगल के लिए है वहाँ पर f2.2 का एपरेचर देखने को मिल जाता है, और जो तीसरा कैमरा है बोके इफेक्ट के लिए उसमें आपको एपरेचर f2.4 देखने को मिल जाएगा। अगर बात करें इस फोन की बैटरी को लेके, तो यहाँ पे 4500 mAh का बैटरी देखने को मिल जाएगा, डुअल इंजन फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आता है, डेफिनेटली अच्छा खासा यहाँ पे बैटरी देखने को मिल जाएगा। अगर बात करें यहाँ पे परफॉर्मेंस के मामले में, तो डेफिनेटली यहाँ पे 12 NM का यहाँ पे CPU है, मीडियाटेक हेलियो P65 का यहाँ पे उपयोग किया गया है प्रोसेसर, एंड काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल जाएगा वीवो S1 में। जी हाँ, यहाँ पे मीडियाटेक हेलियो P65 काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है, गेमिंग हो या फिर बाकी परफॉर्मेंस के मामले में एंड्रॉइड यहाँ पे 9 मिल जाता है। वही बात करें यहाँ पे फाइन टच OS जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें भी आपको 9 देखने को मिल जाता है, फाइन टच OS 9। बाकी यहाँ पे 3.5 mm ऑडियो जैक, साथ ही साथ यहाँ पे माइक्रो USB पोर्ट आता है। बात करें इस फोन की रैम एंड रोम को लेके, तो यहाँ पे 3 वेरियंट आपको मिल जाएगा, 4GB+128GB वेरियंट, 6GB+64GB वेरियंट, साथ ही साथ 6GB+128GB वेरियंट। कीमत जो है 15,000 से लेके यहाँ पे 20,000 के अंदर ही रहेगा। तो यही है वीवो S1 के बारे में, उम्मीद है कि ये वीवो S1 आपको ज़रूर पसंद आया होगा। कोई भी सवाल, कोई भी सुझाव हो, नीचे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताना। बहुत ही जल्द इस वीडियो का अनबॉक्सिंग वीडियो लाऊंगा, उम्मीद करता हूँ वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही गाइस, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।